तो नमस्कार, हम है जीत कुमार। वहाँ समय चालू कर दो भैया, न्यूज़ तक भोजपुरी देखे। दरअसल आज हम एक ऐसा फिल्म के बारे में बात करने वाले जो फिल्म्स के नाम सुन के रवा लोग इनके तन मनी दिमाग चकरा भी जाए और सुन के अजीब भी लागे। हाँ, दरअसल वो फिल्म्स के नाम बा श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, तो भोजपुरी भाषा में बने वाली भी है ये वो फिल्म्स जो ना के नाम बा श्री नरेंद्र मोदी। अब देख भाई कि फिल्म्स कितना खास और कितना यूनिक्स हुई एक बारे में रवा लोग इनके हम बताएं। बस एगो काम कर डाली, चैनल पर नया बन जो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के घंटी भी दबाई, बाकी वीडियो दोस्तों संग शेयर और कल करी। महाराज मैं काम अकेले हम कैसे करी। तो चलिए अब हमने के फिर से एक बार चालू कर दिया जाए फिल्म्स नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ एनालाइज करके जान भी लिया जाए। दरअसल अगर एक हाली तो नरेंद्र मोदी के नाम पर बॉलीवुड में फिल्म्स बन चुकल भी है जेकर स्टार कास्ट रहलन विवेक ओबराय। अब ए में के होखियन के ना होखियन अभी अधिकारित रूप से कुछ भी घोषणा कैल ठीक नहीं खे लागत। दरअसल ए फिल्म्स के मुहूर्त लखनऊ के ताज होटल में कैल गोइल। हाँ, लखनऊ के ताज होटल में एकर मुहूर्त कैल गोइल हुए और कमाल्स के बात ही बटे कि ए में कुछ कलाकार भी उपस्थित रहल हन जेना कलाकार के हम नाम धरे वाला बने। कलाकार में रहल हन सुरेंद्र पाल, राजा मुराद और अमृता जी। ए फिल्म्स के मने अगर देखी तो हम बता ना सकते नहीं कि ई कास्ट में रहें जा कि ना रहें जा, लेकिन कलाकार में एह लोग ओ जगवा मतलब मुहूर्त के समय उपस्थित भी रहल हन। अब फिल्म्स में लिखियन जा कि ना देखियन जा एक अधिकारित रूप से अभी हम बता नहीं कह सकते नहीं। दरअसल ए फिल्म्स के निर्माता और निर्देशक बानी सुभाष मलिक बॉबी। अब सुभाष मलिक बॉबी जी नरेंद्र मोदी के भविष्य में कौन से खतरनाक वाला एक्टिंग के निकाल के एगो एक्टर में फिट करके और ये बढ़िया वाला कारनामा करी हन अब देखल सच में इम्पोर्टेंट होकल बा। और रहल बात अहम बात तो ई बाटे कि नरेंद्र मोदी कि जौन हिसाब से नेचुरलिटी अगर देखी ना तो नरेंद्र मोदी एक्टिंग जौन हिसाब से चाहे डायलॉग्स बोलन मैंने वो है स्पीच तो दिलन हो गया हमने फिल्मी अंदर में डायलॉग है ना कम जाए। अब एगो कलाकार उनका डायलॉग्स के कैसे फिल्म्स में उतारी, कैसे स्पीच करिए, कैसे ये फिल्म खास और अहम बनी हम जरा से भी नहीं खे लागत कि शायद एगो भव्यता टाइप के इस फिल्म्स में आई कि ना हुई। अब तो समय के साथ पता चली काहे कि एक बार के बॉलीवुड फिल्म्स में बन के कितना ज़्यादा पिटाइल रहे वो फिल्म्स हमके तनिक भी अंदाजा नहीं है। तो फाइनली देखे के बाकी ये फिल्म्स कैसे खास और अहम बना सकत रहन सुभाष मलिक जी। बाकी ए फिल्म्स के मुहूर्त के टाइम मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी ओ जगबा उपस्थित रहन तो हमके जहाँ तक उम्मीद बा फिल्म्स कम पार्टी के प्रचार के अलावा और ही कुछ भी ना हो। चलिए होई कि ना होई वैसे हमारा कौन मतलब नहीं के, हमार काम बटे खबर दिहल रवा लोग इनके कैसन लागल ई रिपोर्ट जरूर बताई कमेंट बॉक्सों में कमेंट करके। देखत रहे न्यूज़ तक भोजपुरी का हर एक छोट बड़ खबर यह पर सबसे पहले हमार नज़रिया। बस ए वीडियो में इतना ही।